आप लोग का एचडीटेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सर हम लोग का राउंड जो थ्री है उसको कैसे फिलिंग करें और किस तरीके से वहां पर कॉलेज चुने और आप लोग का पार्ट वन जो फॉर्म है उसको एडिट कैसे करें, क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू जब तक अच्छी तरीके से भरोगे नहीं मेरे भाई, आप लोग का राउंड थ्री में भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग का गलती कर इसके लिए पार्ट वन में भी नहीं आया, और आया भी तो उस कॉलेज में उनको लेना नहीं है, जो अलॉटमेंट हुआ उसमें नहीं लेना। तो इसके लिए मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि आज लास्ट डेट है आप लोग का एडिटिंग का। प्लस आप लोग एडिट अगर कर लेते हो तो ईजिली आप लोग का यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का 22 तारीख को मेरिट लिस्ट आने वाला राउंड थ्री का। बट इसको सबसे पहले एडिट किस तरीके से करें कि आप लोग का राउंड थ्री में आ जाए, जो आप लोग कॉलेज चाह रहे हो उस कॉलेज में आप लोग को अलॉटमेंट हो जाए, उसमें आप लोग को एडमिशन मिल जाए। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप लोग देखोगे अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए मेरे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, पुणे या तो नागपुर, यहाँ से नासिक से, या तो मैं मुंबई से हूँ तो मुंबई वाले पे क्लिक कर देता हूँ। मुंबई पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो एक आया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वापस खुल चुका। फिर लॉगिन आईडी, जिसका लॉगिन आईडी आप लोग को मिल चुका है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट कर चुका है, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप करके 225 रुपये देना था ऑनलाइन, वो भी पेमेंट था। अगर कर दिए हो तो आप लोग इजिली कर सकते हो, अगर जो नहीं किया तो सिंपल तरीके इसे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ क्या करना है, फिलअप कर लेना है पार्ट वन को अच्छी तरीके से। पूरा वीडियो बना हुआ मेरे भाई, इसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है, फिर इसमें पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद पार्ट टू को आप लोग को भरना स्टार्ट कर देना, बट लॉक करना कंपलसरी मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर आता हूँ दूसरे वाले पे अपने यहाँ पर, और यहाँ पर देखो आप लोग को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। बट यहाँ पर उससे पहले आप लोग को एक आया अपडेट कि आप लोग को क्या सिस्टम होने वाला है। अब यहाँ पर देखो एक आया था, ये शेड्यूल जो दिया गया है यहाँ पर राउंड थ्री के लिए है, और ये राउंड थ्री 12 जुलाई को आया है, तो इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोग को बताता हूँ क्या सिस्टम आया, कैसे आना है, आप लोग को क्या चीज़ करना है। यहाँ पर मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर देखो आप लोग का पूरा दिया गया, मराठी में दिया गया है, मैं इंग्लिश पर चलता हूँ, क्या चीज़ है उसको ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पर देखो आप लोग का पूरा अच्छी तरीके से बताया गया, यहाँ पर दो पार्ट्स में बताए गए हैं, और वैकेंसी से राउंड थ्री रेगुलर राउंड थ्री के लिए है, एंड इसमें क्या दिया गया है राउंड थ्री कोटा सेट के लिए है, और यहाँ पे इस ए राउंड थ्री के लिए। अब यहाँ पे राउंड थ्री के लिए देखो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल दिया गया 2024 और 2025 के लिए। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का राउंड वन राउंड टू, बहुत सारे लोग बच्चे इतने भी कन्फ्यूजन है कि सर हम लोग का क्यों आ नहीं रहा राउंड। तो मेरे भाई जो भी आप लोग कॉलेज चुन रहे हो ना, उसका जो कट ऑफ है ना वो आपसे हाई है, आपको जितना मार्क मिला उससे ज़्यादा उस कॉलेज का कट ऑफ है, इसके लिए उस कॉलेज में आ नहीं रहा। तो इसके लिए आप लोग को अपने लेवल का ही कॉलेज चुनना चाहिए, जितना आप लोग का आया है नंबर उसके हिसाब से कट ऑफ आप लोग को देखना। अब यहाँ पे देखो एक 14 तारीख दिया था, 14 तारीख से 17 तारीख जो आज लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने का देखो दिया गया, और इसमें ओनली देखो दिया गया पार्ट वन वेरीफाइड स्टूडेंट कैन गिव दिस परफॉर्मेंस, यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का चॉइस। पार्ट टू को अच्छी तरीके से उसको एडिट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो पार्ट टू में मेरे भाई, जो पार्ट वन वेरीफाइड है इसके लिए पार्ट वन भी आप लोग का चालू है, उसको कर लो। यहाँ पे देखो दिया गया है तीसरा पॉइंट आप लोगों को सिंपल तरीके, यहाँ पर पहले पार्ट वन अच्छी तरीके से बनना है, अभी तक है चालू। ऐसे तो पार्ट थ्री में आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया रेगुलर राउंड, यहाँ पे टू वाले को एडिट कर सकते हो मेरे भाई, अच्छी तरीके से उसको भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया आप लोग को राउंड वन थ्री एडमिशन कैंसिलेड, पहले वो कैंसिल होगा, नॉट बी आ कंसिडर टू दिस राउंड, यहाँ पर माना जाएगा। अब यहाँ पर ओनली सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक पॉइंट सुनना है, यहाँ पर लिखा गया है ओनली पार्ट टू लॉक स्टूडेंट विल बी द कंसिडर फॉर दिस अलॉटमेंट एडमिशन, सिर्फ जो एडमिशन में आप लोग जब यहाँ पर पार्ट टू फॉर्म फिलअप किए रहोगे, कॉलेज चुने रहोगे, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस में आप लोग को कौन से पहले प्रख दूसरे प्रख वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। पहला दूसरा अच्छी तरीके से रखे हो जिस कॉलेज में आप लोग को आ जाए, क्योंकि स्पेशल राउंड जब चालू होगा ना तब आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है इधर से उधर फॉर्म भरना रहता है, ये गलती हो जाए। इसके लिए राउंड थ्री के लिए लास्ट ऑप्शन है, आप लोग को अच्छी तरीके से भर दो फॉर्म और अपने हिसाब से कॉलेज चुनो। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 18 तारीख को क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर 18 और 19 में आप लोग का डाटा जो होगा प्रोसेसिंग होगा,
जो भी आप लोग वहाँ पर दिए हो वो अच्छी तरीके से होगा, वो अपना देखेंगे। फिर 22 तारीख को आप लोग को 10 बजे क्या होगा, डिस्प्लेस होगा आप लोग को यहाँ पर, राउंड वाला आप लोग को मिलने वाला है, कट ऑफ ऑफ दिस एडमिशन राउंड यशमस टू स्टूडेंट, मतलब आप लोग को आ जाएगा मेरे भाई एलिजिबल हो कि नहीं, ये सब आप लोग को देखा जाएगा। और 22 तारीख से 24 तारीख तक आप लोग को एडमिशन, जो आप लोग को सातवां पॉइंट दिया, एडमिशन कन्फर्मेशन के लिए आप लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करो और जाके कॉलेज विजिट करो, कहाँ पर आया, अलॉटमेंट हुआ है तो वहाँ पे जाके एडमिशन आप लोग को कन्फर्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी यहाँ से चले जाएगा। 22 तारीख सातों महीने 2024 से 10 बजे सुबह से लेकर 24 तारीख सातों महीने 2024 तक आप लोग 6 बजे शाम तक ये कर सकते हो मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक प्रोसेस दिया गया है आप लोग को पूरा, यहाँ पर अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप लोग का हॉल टिकट है, हॉल टिकट नहीं सीट नंबर, और यहाँ पर एलसील जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोला जाता है उसको आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर 25 तारीख एक दिया गया है आप लोग को, इस तरीके से मैनेजमेंट कोटा दिस इन हाउस कोटा इस तरीके से दिया गया, ये जाके कर सकते हो अगर वैकेंट है। इस तरीके से पूरा पूरा जो था मेरे भाई अच्छी तरीके से अगर आप लोग समझ लिए रहोगे तो आप लोग को समझ जाएगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे देखोगे और आगे, यहाँ पर आप लोग को दिया गया था क्या चीज़, देखो यहाँ पे तीसरा लॉगिन और आईडी का, इस तरीके से लॉगिन आईडी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन डालना है, लॉगिन आईडी और यहाँ पासवर्ड डाल के आप लोग को फिर से क्या करना है अच्छी तरीके से उसको देखना। तो मेरे भाई आप लोग समझ गए रहोगे कि आज का लास्ट डेट है 17 तारीख, ध्यान से सुनना 17 आज लास्ट है। 17 तारीख को आप लोग को फॉर्म पार्ट वन पार्ट टू जो भी एडिट वेडिट करना है उसको एडिट कर लो, क्योंकि 22 तारीख को राउंड जो आप लोग का 3 आने वाला हो लास्ट है, उसके बाद आप लोग को आएगा आप लोग को 24 तारीख के बाद आप लोग को स्पेशल जो राउंड चालू होगा उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ऐसा कॉलेज चुनो मेरे भाई जो अच्छी तरीके से आप लोग को अलॉटमेंट हो सके। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना।